हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन माय गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुलदावरी के मदर प्लांट से तैयार बेबी प्लांट को गमले में कैसे लगाएंगे उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 20 दिन पहले गुलदावरी के मदर प्लांट से कटिंग के थ्रू बेबी प्लांट लगाए थे, जो कि 20 दिन बाद ये पॉट में लगाने योग्य तैयार हो गया है। आज मैं एक एक पौधे को गमले में शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले 10 इंच का गमला लेंगे, गमले की मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद ये मैंने देखिए 50% नॉर्मल सॉइल लिया है गार्डन की, और 30% कोई भी कंपोस्ट खाद, गाय का हो या कोई वर्मी कंपोस्ट हो, और 10% लाल वाली रेत भी लेंगे। और ये मैंने होम मेड ऑर्गेनिक ड्राई खाद किचन वेयर से बनाया हुआ है, जो कि 10% ये भी मैं लूँगी। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें गमले में इन्हें आधा भर देंगे गमले में। ये जो मैंने ये होममेड जो ऑर्गेनिक खाद ड्राई खाद मिलाया है, इसमें पौधे के लिए बहुत सारे न्यूट्रांस मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी यूजफुल है ये पौधों के लिए, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा तो आपका पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो ये देखिए, मैंने हाफ गमले में मिट्टी डाल दी है। उसके बाद ये गुलदावरी के बेबी प्लांट को गमले में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कितनी इस पौधे में देखिए कितनी जड़ें निकल आई हैं। इन्हें 20 दिन पहले गुलदावरी की कटिंग लगाई थी और उस सबसे पहले करेंगे कि पौधों की जो जड़ें हैं, ये देखिए, इन्हें हल्की गीली मिट्टी से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ करें। गमले में इसे लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे और हल्के हाथों से इन पौधों को मिट्टी के साथ दबा देंगे ताकि इनकी जड़ों में हवा ना लगे और स्टेबल हो जाए। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। एक बार में थोड़ा ही पानी डालें, जब मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर ले तो थोड़ा पानी और डाल दें। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुलदावरी के एक मदर प्लांट से कितने सारे बेबी प्लांट तैयार किया है और इन्हें गमले में भी लगा दिया है। ये नवंबर के मिड तक बिल्कुल फ्लावरिंग करने लायक ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इनमें कलियां और फूल भी आने लगेंगे। तो दोस्तों, इसकी केयर और कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, इसकी पिंचिंग कब करनी है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।